अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का व्लॉग है, हम लोग जा रहे हैं लाहौर चिड़ियाघर में फजर को घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि छुट्टियां हुई हैं। तो आज का हमारा व्लॉग वहां पे शूट करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिए। आई होप सो कि आप मेरे को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड हर वीडियो खबर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो हम पहुंच चुके हैं लाहौर चिड़ियाघर में। ये एंट्री है, एंट्री टिकट करवाने के बाद अब हम भी अंदर एंटर होते हैं। तो सामने आपको नज़र आ रहा है जराफा, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहा है। ये है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना फजर। ये सामने है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग अंडा सबसे बड़ा अंडा अंडों में शुमार होता है, जिसका वेट पता नहीं कितना है। हाउ ब्यूटीफुल, कितने प्यारा लग रहा है ये वाला शुतुरमुर्ग की नेक। ये सामने डक डक जा रही है पानी में, वजह देखो डक। वाओ सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमतें हैं। वैसे अल्लाह ताला ने कितने ब्यूटीफुल परिंदे इस दुनिया में बनाए हुए हैं। एक बरगद का दरख्त लगा है जो कि तकरीबन 400 साल पुराना है। यहाँ मैं आपको कुछ शो करवाती हूँ, उसका बोर्ड लगा हुआ है। तो सामने आपको ये बरगद का दरख्त है जो कि बहुत ही जिसका घना साया है, और ये 400 साल कबल ये दरख्त लगा था माशाल्लाह। ये सामने परिंदे भी बैठे हुए हैं। लाहौर चिड़ियाघर में आए तो आपको तरह तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बर्ड्स वगैरह मिलते हैं, हर तरह की मतलब खूबसूरती आपको देखने में मिलती है। ये पीकॉक है, पीकॉक माशाल्लाह, ये पीकॉक तो हमारे घर में भी रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये अपने पंख फैलाते हैं। ये चकोर है जो कि इस मुल्क का कौमी परिंदा है। यहाँ पे तरह तरह के लोग आए हुए हैं। लाइन है, लाइन्स वाइट लाइन है आई थिंक, नहीं ब्राउन लाइन है। यहाँ पे वाइट लाइन भी है, वो भी मैं आपको शो करवाती हूँ। वाइट लाइन भी बहुत प्यारा लगता है। ये तो ब्राउन गोल्डन है, ये हथनी मादा है शायद, धूप में बैठी हुई है। ये भी बड़ा ब्यूटीफुल एनिमल है, देखने में लग रहा है। ठीक है, कछुआ है, कछुआ कछुआ ऐसा सा नहीं रहा है। यहाँ पे बंदर घर भी है, बंदर के भी तरह तरह के ये आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे। बंदर भी इस तरह इसमें तरह तरह के बंदर भी बैठे हुए मतलब रखे हुए इन्होंने, मंकी हाउस ब्यूटीफुल। यहाँ पे मंकी भी काफ़ी किस्म के रखे हुए हैं इन्होंने। होब्लो होब्लो सो प्रिटी, और रेड डियर, ये रेड डियर है, इतना ब्यूटीफुल है। सफेद गेंडा, गेंडा भी बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, काफ़ी एंटरटेनिंग है ज़ू। यहाँ पे बच्चे आके बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब कभी भी बोर हो रहे हों तो बच्चों को आई रिकमेंड कि आप ज़ू में ले आएँ, तो काफ़ी एंटरटेनिंग भी है और इंजॉय भी बच्चे बहुत करते हैं। लाहौर का काफ़ी बड़ा चिड़ियाघर है,
जी तो वो डियर देखे कितने ब्यूटीफुल है, प्रिंट की इतना ब्यूटीफुल इसका लग रहा है, वाइट एंड गोल्डन में। बस रियल केस के सीन पड़े हुए हैं, मैं आपको कभी अपने व्लॉग में शो करवाऊंगी, 12 सिंगे के जो सीन होते हैं ना ऊपर, तो मैं आपको शो करवाऊंगी इंशाल्लाह।